दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे नियमित अपडेट्स पाने के लिए प्रेस करें इस बेल बटन को, जिससे आपको हमारे सभी नियमित अपडेट्स मिलते रहें बिल्कुल मुफ्त में। जय माता दी। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक बहुत ही खास मंत्र के बारे में, जो आप रोज उठते ही नहाने से पहले प्रयोग कर सकते हैं। इसके बहुत ही ज्यादा गजब के फायदे आपको मिलते हैं। यह ना सिर्फ ग्रह बाधाओं को दूर करता है, बल्कि हर प्रकार के दुश्मन भी इससे शांत हो जाते हैं। इससे लक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और सुख समृद्धि आपकी तरफ आकर्षित होने लगती है। लेकिन किस प्रकार और कैसे आपको यह मंत्र करना है, इसको अच्छी तरह से समझ कर ही दोस्तों आप इस प्रयोग को करें जो हम आपको बताएंगे। काफी लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा ही नेगेटिविटी होने की वजह से उनके दिमाग में हमेशा ही गलत और नेगेटिव विचार आने लगते हैं। कुछ चीजें पहले से तो बिगड़ी होती ही हैं और आप उन्हें अपनी नेगेटिव विचारों से और भी ज्यादा बिगाड़ लेते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, कभी भी आप नेगेटिव ना सोचा करें। जो चीजें हम आपको बताते रहते हैं, आप उन्हें जरूर किया करें, जिससे आपके जीवन में सफलता आ सके और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी हो सके। तो दोस्तों, आपको यह मंत्र रोज सुबह के समय नहाने से पहले ही जाप करना है। अपने बेड पर बैठे हुए भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आपकी आंखें खुलती हैं, तभी आपको इसका जाप करना है। जब भी आप सुबह उठते हैं, तो कभी भी अपना चेहरा या किसी और व्यक्ति का चेहरा आपको नहीं देखना है, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। और काफी लोगों की तो आदत भी होती है कि उठते ही सबसे पहले शीशा ही देखने लगते हैं, जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा लड़ाई घर में बढ़ने लगती है और आपके विचार और ख्याल हमेशा ही नेगेटिव बने भी रहते हैं। इसीलिए कभी भी अपने आप को नहीं देखना चाहिए उठते ही, और ना ही किसी और व्यक्ति को देखना चाहिए, बल्कि उठते ही सिर्फ आप अपने हाथों की हथेलियों को देखा करें। दोनों हाथों को मिलाकर हथेली की रेखाओं को देखा करें और इसके बाद अपने फेस पर इन हथेलियों से हाथ फेर लिया करें। इसी प्रकार बस आपको रोज उठने की आदत बनानी चाहिए। अब दोस्तों, ऐसा करने के बाद आप इस मंत्र का जाप मन में या बोलकर भी कर सकते हैं। यह मंत्र बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, जिसके बहुत ही ज्यादा गजब के फायदे आपको मिलते हैं। मंत्र इस प्रकार है: उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर मृत्युम नमामि अहम्। इस प्रकार दोस्तों, आपको यह मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र आप लिख कर एक कागज में रख सकते हैं अपने तकिए के नीचे, अगर यह आपको याद नहीं हो पाता है। लेकिन दोस्तों, 3-4 दिन रोज पढ़ने से ही यह आपको बहुत अच्छी तरह से याद भी हो जाता है। यह मंत्र महाविष्णु नरसिंह भगवान का है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस मंत्र का कितनी देर भी आप जाप बेड पर बैठे हुए ही कर सकते हैं। बस 11 बार बेड पर बैठे हुए ही इस मंत्र को पढ़ लें। अपने दिन की शुरुआत इसी मंत्र से करें और खुद देखें किस प्रकार यह मंत्र आपको बहुत ज्यादा सफलताएं दिलाने लगता है। सभी प्रकार की बाधाएं इस मंत्र से दूर हो जाती हैं। हर तरह की नेगेटिविटी और ग्रह बाधा समाप्त होकर आपकी तरफ सुख और समृद्धि आकर्षित होने लगती है। जो भी चीजें आप करना चाहते हैं या आपकी कोई मनोकामना है, तो इस मंत्र जाप से जरूर ही पूरी होती है। आपको कोई भी चीजें आसानी से परेशान नहीं कर पाती है। कोई भी नेगेटिव ख्याल या विचार से आप परेशान नहीं हो पाते हैं और इस मंत्र से आपको ओवरऑल प्रोटेक्शन भी मिलती है। तो इसीलिए दोस्तों, जरूर रोज इस मंत्र से ही अपनी सुबह शुरू किया करें और खुद देखें कैसे आपका जीवन और भाग्य बदलना शुरू होता है। इसके बहुत ही ज्यादा गजब के फायदे आपको मिलते हैं। रोज इसी प्रकार मंत्र जाप करने से आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और आपके कार्यों में आपको सफलताएं मिलने लगती हैं। तो जरूर इसका प्रयोग करें दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं या आपकी कोई विशेष समस्या है, तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन के पास बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी जानकारी सही समय पर सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।